अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार कलेजी, जिसे हम अमूमन बकरीद में बनाते हैं। तो हम इसे आज बनाएंगे बहुत आसान सी रेसिपी के साथ में। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है एक बकरे की कलेजी, जिसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद में हम इसको, इसके पानी को छान करके इसे 5 से 7-8 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखेंगे। हम आपको बताते हैं, इसमें से हमने पानी छान लिया है और ये अपनी कलेजी हम किसी बोल में निकाल लेंगे। और बोल में निकालने के बाद में हमने यहाँ पर लिया है 3 से 4 चाय का चम्मच। यहाँ पे मैंने दूध लिया है, जिसमें इस कलेजी को डाल देंगे और इसमें पानी को अच्छे से इसे भिगो के इसमें पानी में रख देंगे। इसको हम ऐसे दूध में भिगो करके 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिसकी वजह से इसमें से जो अजीब सी स्मेल आ रही होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है और कलेजी अंदर तक के खूब नरम हो जाती है। तो बस आप इसे 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद इसको कुक करना स्टार्ट करें। दूध और कलेजी मिक्स करके रखा था, ये पूरा इसमें हम ड्रेन कर देंगे और एक बार इसे पानी से और हम वॉश कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे तेल, तेल हम यहाँ पे डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। यहाँ पर हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमने यहाँ पर एक बड़ी गड्डी ली है, अगर 2 मीडियम साइज़ की प्याज है तो वो भी काफ़ी हैं। 2 मीडियम साइज़ की इसमें प्याज बघारे वाली काट के डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। खड़े गरम मसाले में हमने यहाँ पे लिए हैं 2 तेज़पत्ते। फिर हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 लौंगे, काली मिर्च के दाने 8 से 10, जावित्री के 3 से 4 लीव्स लेंगे और दालचीनी लेंगे, 1 छोटी इलायची और 3 से 4 बड़ी इलायची इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम अपनी प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई करेंगे। ये हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे कलेजी। कुछ मसाले निकाल के रखे हैं, जिसमें धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च और नमक है। ये सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही साथ इसमें जाएंगी 2 बड़ी हरी मिर्चें, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और इन मसालों के साथ में इसको भूनेंगे। अच्छी तरह से इसे हम भून लेंगे कि इसमें से तेल छूटने लगे। ये मैंने दही निकाल के रखा है, दही यहाँ पे मैंने लिया है 1 चाय का कप और दही डाल के हम इसे फिर से भूनेंगे। कम से कम 7-8 मिनट तक के इसे हम भूनेंगे। यहाँ पर हम एक चीज़ डालना स्टार्टिंग में भूल गए हैं अपने पिसे मसालों के साथ, वो है हल्दी। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हल्दी ऐड करी है और साथ ही साथ हम यहाँ पर 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं अपने मसालों के साथ में, लेकिन अगर आप इसे डालना भूल गए हैं तो इसे 3 से 4 मिनट के लिए और भून लें, ताकि हल्दी का कच्चापन निकल जाए और लहसुन अदरक का पेस्ट का जो एसेंस है वो भी इसके अंदर आ जाए। उसके बाद हम कुकर में सीटी लगाएंगे। तो बस हम इसे 4 से 5 मिनट और भुनने देते हैं
हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल करके भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर आप पानी ऐड करिए और कुकर में धीमी आंच पर सीटी लगा दीजिए। इसे हम गैस को बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे और 4 से 5 सीटी आने तक के इसे पकने देंगे। हमारी कलेजी बनके तैयार हो गई है, हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप यहाँ पर कुकर को खोल करके और 5-6 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लें। इसे चेक करके देखिए, ये गल भी गई है। बस इसे 5-6 मिनट और भून लीजिए, उसके बाद में इसको डिश आउट करेंगे। अब हम अपनी गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अब हम इसमें गार्निशिंग कर लेते हैं। बस ये हमारी कलेजी तैयार हो गई है, ये देखिए। आप भी इसी इजी सी रेसिपी के साथ अपने घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।